नमस्कार अजस्ट्रोमनी गुरु, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ ईशा, अजस्ट्रोमनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज की तारीख है 18 अगस्त और वार है शुक्रवार। हम बात करेंगे फिलीपींस की, जहाँ पर 5 लाख टन चावल आयात की सिफारिश की गई है। फिलीपींस के कृषि विभाग ने अलनीनो शुक मौसमी परिस्थितियों की वजह से धान की फसल को होने वाली संभावित नुकसान की पूर्ति के लिए चावल के 5 लाख टन अतिरिक्त आयात के लिए अपनी सिफारिश की है। ये जानकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दी गई है। एग्रीकल्चर अंडर सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि विश्व के अग्रणी चावल आयातक देशों में से एक फिलीपींस द्वारा चावल का अतिरिक्त आयात किया जाएगा। इसका आयात निजी कारोबारियों द्वारा किया जाना चाहिए और इसकी आवक आगामी नवंबर महीने और अगले साल के जनवरी महीने के बीच हो जानी जरूरी होगी। चावल के इस अतिरिक्त आयात की मंजूरी इस साल के निजी कारोबारियों को पहले ही दी जा चुकी है, वहीं आयात स्वीकृति से ये अलग है। पहले दी गई मंजूरी में से करीब 3 लाख टन चावल फिलीपींस में चालू अगस्त महीने के अंत तक पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, आने वाले सितम्बर महीने में 3 लाख टन चावल और पहुँचने की संभावना भी जताई जा रही है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें समय समय पर दे सकें। इसमें आगे बताया गया है कि फिलीपींस के इस साल के चावल के कुल आयात में करीब 79% मात्रा वियतनाम के साथ साथ म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान और भारत आदि जैसे देशों के चावल की है। फिलीपींस के खुदरा बाजारों में आयातित और स्थानीय चावल की खुदरा कीमतों में इस महीने और तेजी आ गई है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कीमत में 14% की तेजी आई है। इसकी प्रमुख वजह ये मानी जा रही है कि घरेलू और आयातित कीमत तुलनात्मक रूप से ऊंची है, जिसकी वजह से खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं सरकार को डर है कि अलनीनो मौसमी चक्र का कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव चालू वर्ष के अंतिम तिमाही से लेकर वर्ष 2024 की पहली तिमाही तक नजर आने लगेगा। दोस्तों, अजस्ट्रोमनी गुरु ब्यालस कम्युनिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड़ जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।